Hey, welcome back to my channel. In this video, I will be talking about 5 retirement schemes to consistent flow of funds for monthly income. दोस्तों, जब भी हम लोग है जो रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग आप पहले से करते हैं तो आपका रिटायरमेंट के एज में आप देखते हैं कि आपको एक कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ है जो इनकम आपको आना चाहिए, क्योंकि आप एक सस्टेनेबल है जो लाइफ है जो स्पेंड कर सकते हैं रिटायरमेंट के टाइम में भी। रिटायरमेंट प्लानिंग देखते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग रिटायरमेंट ईयर। अब यहाँ पे देखते हैं कि 5 ऐसे स्कीम है जो कहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे आप है जो मंथली इनकम है जो आप अर्न कर सकते हैं। नंबर 1 पे आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। यहाँ पे देखते हैं कि आप 30 लाख रुपीज से ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 30 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो आपको 8.2% मिलता हो, और ये देखते हैं कि आपका एक अच्छा रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट प्लान है। नंबर 2 पे आपका नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा इंडिया में आपका फेमस है। ये अवेलेबल होता है सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए भी और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी। इसमें क्या होता है कि आप गवर्नमेंट बॉन्ड, इक्विटीज़ या कॉर्पोरेट डेट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और नेशनल पेंशन सिस्टम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा भी पॉपुलर चल रहा है इंडिया में, तो ये भी एक आपका रिटायरमेंट के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट स्कीम है। नंबर 3 पे आपका पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। ये देखा जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, और यहाँ पे देखते हैं गारंटेड आपका मंथली इनकम है जो मिलता है। ये मंथली इनकम है जो आपको इंटरेस्ट के रूप में है जो एवरी मंथ मिलता है, तो ये भी आपको देखते हैं कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आपके। नंबर 4 पे आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जब भी आप जॉब करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको एवरी मंथ जो आपके सैलरी में से जो पीएफ है जो डिडक्ट होता, पीएफ जब आपका डिडक्ट होता तो आपको एम्प्लॉयर के साइड भी डिडक्ट होता और एज ए एम्प्लॉय आपका सैलरी से भी वो डिडक्ट होता। अब यहां पर क्या होता है कि पीएफ है जो इंडिया में काफी ज्यादा फेमस आपका, तो पीएफ भी एक तरह से आपका अच्छा इन्वेस्टमेंट स्कीम है। यहां पर क्या होता है कि आपको 15 ईयर्स तक है जो लॉक इन पीरियड के लिए आप है जो पीएफ है जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये है जो एवरी 5 ईयर्स का आपका लॉक इन पीरियड होता है, तो आप है जो स्टार्ट जो करते हैं वो 15 ईयर मतलब 15 साल के लिए आपका लॉक इन पीरियड होगा, और ये है जो आप तब तक है जो आप पीएफ कर सकते हैं जब तक आप है जो जॉब कर सकते हैं, लेकिन आपका एवरी 5 साल के लिए आपका लॉक इन पीरियड होता है। नंबर 5 पे देखते हैं म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड भी देखते हैं कि अच्छा आपका इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमेशा आप लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, आपका रेट ऑफ रिटर्न भी आपको ज़्यादा मिलता है। म्यूचुअल फंड देखते हैं कि आपका इक्विटी से ज़्यादा सिक्योर होता है। म्यूचुअल फंड में देखते हैं कि आपके पास एक ऑप्शन होता है डेट म्यूचुअल फंड का, जहाँ पे देखते हैं कि आपको रिस्क ज़्यादा नहीं होता, तो वहाँ पर आप अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको मिनिमम 7-8% आता है, जो कि आपका बैंक का जो FD होता है फिक्स डिपोजिट से वो आपका बेहतर रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। तो ये 5 है जो रिटायरमेंट स्कीम्स है जहाँ पर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ पर आपको मंथली है जो आपको इनकम आते रहता है, और ये देखा जाए आपको रिटायरमेंट प्लान में काफी ज्यादा हेल्प करेगा।